हालांकि निर्वाचन विभाग की तरफ से लगाए गए इन तंबुओं में अभी तक कोई भी राजनीतिक दल अपना प्रतिनिधि भेजने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, जबकि जिला प्रशासन द्वारा मतदान के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा अधिकृत किए गए पोलिंग एजेंट और अन्य लोगों को ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर बैठने की अनुमति प्रदान की गई है। डिग्री कॉलेज ऊना में हमारे तीन विधानसभा क्षेत्र ऊना, हरोली और कुटलैहड़ की जो है ईवीएम्स, पोल ईवीएम्स जो है वो बहुत कड़े पहरे में रखी गई हैं। इसमें थ्री टीयर सिक्योरिटी है, जिसमें सीएपीएफ, आर्म्ड पुलिस और पुलिस का जो है वो पहरा है 24/7। सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं, जिससे कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन यहाँ ना आ सके उसकी एंट्री चेक करने के लिए। और साथ ही जो कैंडिडेट्स और इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको ये कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ईवीएम्स जो है पूरी तरह सुरक्षित हैं, हमने ये व्यवस्था भी की है कि उनके कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ व्यवस्था बैठने की और टेंट की गई है कि वो वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वॉच करने के लिए कि सिक्योरिटी जो है वो दुरुस्त है। और सीसीटीवी का फीड जो है वो भी उनको टेंट में दिया गया है कि वो ये वॉच कर सकते हैं कि जो आउटर गेट है जिसको सील किया गया था उनके प्रेजेंस में, वो उसकी सील जो है वो इंटैक्ट है, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तो ये पुख्ता प्रबंध हमने ईसीआई के डायरेक्शंस के हिसाब से किए हैं। सर, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक जो है वो अनुमति ली है यहाँ पर बैठने की? इसमें दोनों ही पार्टी जो तीनों पार्टीज हैं और इंडिपेंडेंट जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो कोई भी अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसको ऑथराइज़ कर सकते हैं। ये अनुमति स्वतः ग्रांटेड है, उनको अथॉरिटी का लेटर जो कैंडिडेट से इशू होना है रिप्रेजेंटेटिव को वो लाना होता है, और कैंडिडेट स्वयं आ रहे हैं तो उनको भी जो है वो वहाँ आने की अनुमति है। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए इंडिया लाइव न्यूज 24x7, इंडिया लाइव न्यूज 24x7।